कि मैं पहुंचा हूं अहमद बर्गर वालों के पास, तो काफ़ी दोस्तों के रिक्वेस्ट के ऊपर, दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि अहमद बर्गर वालों की आप वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं सर्कुलर रोड के ऊपर इनकी शॉप है। और ये सर्कुलर रोड जैसे आप फुआरा चौक से टर्न लेंगे टांग कटे की तरफ आसानी से गुजर के, तो आगे अहमद बर्गर वालों की शॉप आती है, अहमद वालों की शॉप है, ठीक है, जो पहले मैंने आपको सेल्फी पोज में भी दिखाई है, साथ में कराची अब्बास अब्बासी बिरयानी वालों की है, और ये हैं अपने अहमद बर्गर वालों की सिटिंग एरिया है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इनका सिटिंग एरिया है, और वैसे जितने भी डी खान में बर्गर वाले हैं तो मेरे ख्याल में उनके पास इस तरह सिटिंग एरिया नहीं है। तो ये आप देखो कि इनके बर्गर किस तरह बनते हैं, तो ये देखें काफ़ी बड़ा इन्होंने अंडा लगाया हुआ है, साथ में आप ब्रेड भी देख रहे हैं और शामी भी देख रहे हैं। इनके पास चिकन बर्गर भी होते हैं और साथ में अंडे वाले भी होते हैं, और इनसे मैं पूछता हूँ कि चिकन का क्या रेट है और अब शामी वाले का क्या रेट है। भाई जान, जो आप लोग चिकन बर्गर दे रहे हैं उसका क्या रेट है? चिकन बर्गर 110 80 रुपए का होता है। और कितने साल हो गए आपको ये बर्गर का काम करते हुए? 10 साल हो गए हैं यहाँ पे, इधर ही इसी जगह पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये काम वैसे आपने किस से सीखा है? कराची से ये काम आपने सीखा है। माशाल्लाह, आप ये देख रहे हैं भाई का बर्गर का सेटअप, कि देखें इन्होंने कितने ज़्यादा अभी बर्गर लगाए हुए हैं, और ये एक साथ ही तैयार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ में दिखाता जा रहा हूँ। तो ये अभी इनके ऊपर पहले इन्होंने चटनी डाली है, और उसके बाद फिर इन्होंने शामी डाल रहे हैं। माशाल्लाह, ये एक साथ इतने बर्गर तैयार करते हैं, आप लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखें सैलेड ऊपर डल रहा है। माशाल्लाह, ये काफ़ी अच्छा है इनके यानी कि तरीकाकार, और काफ़ी इनका टेस्टी होता है। आज वैसे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं ख़ुद भी खा के आप लोगों को ज़रूर दिखाता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह खुद खा के आप लोगों को फिर दिखाऊंगा। और ये आप देखें, इसमें ये अंडा भी डालेंगे। ये देखें, ये हो रहे हैं तैयार, और काफी इनका अच्छा बर्गर होता है। ये देखें अंडा डल रहा है, काफ़ी अच्छा ज़्यादा कस्टमर है, और रात को 11 बजे इन पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था, वरना 11 बजे इनके पास बिल्कुल जगह भी नहीं होती। और अभी वैसे तरावी का टाइम है, लोग तरावी में बिजी हैं, इसलिए इस टाइम थोड़ा सा गाहक कम होता है। ये आप देखें भाई की स्पीड भी चेक करें, कि काफ़ी इतनी थोड़ी सी देर में आप लोग देखें कितनी जल्दी ये बर्गर तैयार। तो ये हो गया बर्गर तैयार, बीच में काट रहे हैं। माशाल्लाह, तो ये प्लेट रेडी हो गई है, आप लोग देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहमद बर्गर वाले
वाले, आपने इनका बर्गर देखा, काफ़ी अच्छा ये बनाते हैं। तो माशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे दोबारा भी इनकी बर्गर की, और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा भी दिखाएंगे और ख़ुद भी खा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी अहमद बर्गर से जैसे वापस आया तो मैंने चाहा कि आज क्वेटा चाय कैफे वालों का वीडियो भी बनाया जाए। तो अभी मैं क्वेटा होटल पहुँचा हूँ, तो ये डीआई खान में मेन फुआरा चौक पर बना हुआ है। तो वैसे मैंने चाहा कि वीडियो बनाई जाए क्योंकि इनका भी काफ़ी यानी कि मशहूर है ये भी, और ये दूसरा साल है इनको बना हुआ और इनका कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं और कोई अपने अपने यानी कि इंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में ऑर्डर भी ले रहे हैं, और बिल्कुल ये फुआरा चौक के ऊपर ही है। तो ये जो राउंड वाला आप देख रहे हैं ये सिंपल लच्छेदार पराठा है, और ये दूसरा आप देख रहे हैं ये चीज़ पराठा है। तो ये भाई बना रहे हैं, क्योंकि चाय भी बड़ी मज़ेदार होती है। इनसे पूछते हैं कि ये चाय किस तरह बनाते हैं। इनकी चाय का एक अलग टेस्ट होता है, क्वेटा वालों का एक पूरे पाकिस्तान में नाम है। और भाई से पूछते हैं, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, भाईजान ये आप लोगों की चाय एक मुनफरिद होती है और एक अलग सा टेस्ट होता है, इसका क्या वजह है? हाँ, आप लोग ऐसे कौन सी पत्ती या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ये खास पत्ती होती है, ये कराची से आप लोग मंगवाते हैं? भाई का कहना है कि हम जो पत्ती लेके आते हैं वो कराची से लेके आते हैं और एक अलग इनका टेस्ट होता है। और ये आप देख रहे हैं इनका दूध भी बिल्कुल खालिस लग रहा है, और ये एक छोटे से सबसा यानी कि इनका एक मर्तबान होता है जिसमें ये चाय बना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं इलायची भी डल रही है, ठीक है, जिस तरह हमारे और होटलों पर पतीले पर बनते हैं, इनका एक अलग सी मर्तबान होते हैं जिसमें ये चाय बनाई जाती है। आप लोग देखें माशाल्लाह, वैसे बहुत बेहतरीन लग रही है, काफ़ी अच्छी इनकी चाय होती है। और कभी आए इन भाई के पास आप चाय लाजमी टेस्ट करें। ये क्वेटा चाय कैफ़े होटल है जो कि फुआरा चौक पे है, आप लोग देख सकते हैं। पराठे लग चुके हैं और आप लोग देखें ये लच्छेदार पराठे लगे हुए हैं, तो ये भाई बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे इनके पराठे होते हैं। देख रहे हैं इनके पराठे काफ़ी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका कलर अभी आ गया है, आप लोग देख सकते हैं इनके पराठे काफ़ी अच्छे हैं। और मेरे चैनल लव पाकिस्तान में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं इनके पराठे माशाल्लाह और क्या बात है। और ये होटल क्वेटा होटल है मेन फुआरा चौक पर, इस पर आना ना भूलें, लाजमी इधर आएंगे ना।